हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भुवनेश्वर। आप सभी का आज की इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैं फ्लिपकार्ट शॉपिंग वेबसाइट से दोस्तों एक MC4 कनेक्टर मंगवाया था। दोस्तों चलिए आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का पैकेज में फ्लिपकार्ट की ओर से आया है। दोस्तों इस फ्लिपकार्ट की बात करें तो मैं इसको 125 रुपये में परचेस किया था दोस्तों, MC4 कनेक्टर को। चलिए इस पैकेज को खोल कर देखते हैं किस तरह का कनेक्टर है। दोस्तों आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान परचेस करें दोस्तों, चाहे वह 100 रुपये का हो, चाहे 200 हो, चाहे 2000 का भी हो, दोस्तों आप उसको एक वीडियो ज़रूर बनाएं प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग करते समय। दोस्तों अगर प्रोडक्ट की जगह कुछ दूसरा निकलता है तो दोस्तों आपके पास वीडियो है प्रूफ दोस्तों, सबूत के तौर पर, इसलिए आप वीडियो ज़रूर बनाएं। चलिए मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। कुछ इस तरह का कनेक्टर निकल रहा है दोस्तों, देखते हैं कितना कनेक्टर है। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का कनेक्टर आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का कनेक्टर है, आप लोग देख सकते हैं। दो कनेक्टर है दोस्तों। दोस्तों इस कनेक्टर का यूज मैं क्या सोलर पैनल में वायर को जोड़ने के लिए करने वाला हूं दोस्तों। आगे इसका वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कहाँ पर मैं कनेक्शन कर रहा हूँ दोस्तों। इसका इस तरह का हुआ है, ठीक ठाक ही लग रहा है दोस्तों, 125 रुपये का है दोस्तों। तो दोस्तों इसको कनेक्शन करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ वीडियो में इस तरह का होता है दोस्तों कनेक्शन। तो देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में MC4 कनेक्टर है और मैं अभी इस MC4 कनेक्टर का कैसे कनेक्शन करना है मैं आप लोगों को कनेक्शन करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक कनेक्टर है, फिर इसका यहाँ पर है दोस्तों, और एक जो कवर है इसका, और यहाँ पर है दोस्तों जिसमें वायर को लगा दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हमें तो दोस्तों सबसे पहले हम इस वाले कनेक्टर को हम इस तरह से लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से लग जाता है। उसके बाद सेकंड में है दोस्तों ये वाला, आप लोग देख सकते हैं, इसको इस तरह से लगाना है यहाँ पर। तो देख सकते हैं दोस्तों ये कुछ इस तरह से लग गया है, आप लोग देख सकते हैं। पहला ये है दोस्तों, दूसरा ये है और तीसरा ये है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये कुछ इस तरह का कनेक्टर है, इसमें इस तरह से इसको लगा देना है दोस्तों, कुछ इस तरह से। मैं लगा कर आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गया है, फिट हो गया है इसके अंदर। उसके बाद आप लोगों को दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से इसको। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से इसको इस तरह से लगा देना है यहाँ पर, देख सकते हैं। पहला एक कवर है, उसके अंदर दोस्तों इस तरह से हुआ है कनेक्टर। अब ये वाला जो कवर है दोस्तों, उसको इस तरह से कस देना है, आप लोग देख सकते हैं। मैं कस दे रहा हूँ इस वीडियो में, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पहला कनेक्टर को मैं कनेक्ट कर दिया हूँ दोस्तों, अब दूसरा कनेक्टर को भी आप लोगों को कनेक्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ दोस्तों इसको यहाँ पर। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यह जो सिल्वर कलर का है दोस्तों इसको। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, इसमें वायर को फंसाना है कुछ इस तरह से दोस्तों, और इसको इस तरह से लगा देना है दोस्तों। ध्यान रहे, इसको पहले लगाना है इस तरह से, उसके बाद इसको इस तरह से लगाना है दोस्तों। और इसको भी इस तरह से निकाल सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, इसको भी यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा देना है। उसके बाद इस वाले कनेक्टर को इस तरह से लेना है दोस्तों, और इस तरह से लगाना है। उसके बाद इसको इस तरह से लगा देना है। इस तरह से लगने के बाद दोस्तों आपको, तो दोस्तों इस तरह से लगने के बाद इस MC4 कनेक्टर का कैप को इस तरह से लगाकर कसते जाना है, आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि मैं अभी कस रहा हूं दोस्तों वायर को लगाने के बाद, इस तरह से MC4 कनेक्टर का कैप को लगाकर राइट की ओर घुमाते जाना है, और यह कैप MC4 कनेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाता है कुछ इस तरह से, आप लोग देख सकते हैं।
मैं दोनों MC4 कनेक्टर में वायर को कनेक्ट कर दिया हूँ दोस्तों, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से कनेक्शन करना है MC4 कनेक्टर का। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करके ऑल पर सेट करें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।